हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो नई टॉपिक के ऊपर है। तो आज की वीडियो आप देखिएगा, ये वॉकिंग चिलर है और इसमें काफ़ी सारी आइस आई है। आइस जो है इतनी सारी आई है, आप देखिएगा ये ट्रे के नीचे तक आइस आ गई है। बहुत ज़्यादा आइस है, टेम्परेचर जो है नहीं आ रहा। टेम्परेचर काफ़ी प्लस में पहुँच गया है, करीब 12 टेम्परेचर आ रहा है और इसका जो सेट टेम्परेचर है वो 2 है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो आइस ज़्यादा आने की वजह से क्या है, इसका टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो पीछे देखिएगा आप, पूरा एवोपरेटर फुल है, इधर एक्सपेंसर वाल्व की साइड भी पूरी फुल है। तो आइस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको काफ़ी देखने को मिलती होगी, कोल्ड रूम में इस तरह जो है आती है आइस, एवोपरेटर पूरा फुल हो जाता है। तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डीफ्लो सिस्टम चेक करने के लिए अभी देखिएगा, मैंने जो है हीटर को ऑन कर दिए हैं, सारे हीटर ऑन हैं। अब चेक करेंगे एम्पियर मीटर, देखिए पहले वाले जो हीटर है वो भी ऑन है और नीचे का दूसरा वाला भी देखिएगा एम्पियर ले रहा है, ये भी ठीक है। और इसके नीचे ये है, ये भी हीटर हमारा चल रहा है। तो हीटर देखिएगा, सारे हीटर हमारे ऑन हैं और सारे हीटर जो हैं हमारे एम्पियर ले रहे हैं। तो जो है हीटर हमारे ठीक है, फिर भी इसमें आइस आ रही है। देखिए आप देख रहे हैं, थोड़ा सा स्मोक सा उठ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है क्योंकि हीटर ऑन है। ये देखिए ट्रे हीटर भी हमारा ऑन हैगा। तो जो आइस थी सारी मेल्ट हो चुकी है, सारी आइस निकाल दिए, कुछ हमने डिफ्रोस्ट के थ्रू निकाली, कुछ पानी डालना पड़ा था, तो सारी आइस निकल गई है। और आइस निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जैसे कि डिफ्रोस्ट में डाल दें, आप डिफ्रोस्ट में डाल देंगे तो क्या है, अंदर से एवोपरेटर की जो कॉयल है वो आइस को छोड़ देती है, तो जल्दी है कि आइस निकल जाती है। अगर आप पानी से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा पूरी परत की परत निकली है, मोटी मोटी जो आइस निकली है उसी वजह से निकली है जो कि हमने डिफ्रोस्ट में डाला था। तो डिफ्रोस्ट में डालने से क्या, आइस जल्दी निकल जाती है, नहीं तो आप पानी डालेंगे तो बहुत टाइम लगता है, उसका छोड़ती नहीं है आइस एवोपरेटर को, और डिफ्रोस्ट से क्या जल्दी छूट जाता है। तो हम आ गए हैं ऊपर और अभी देखेंगे गैस, गैस प्रेशर भी चेक करना है, तो मैनिफोल्ड लगा के गैस चेक करेंगे। और कंप्रेसर के ऊपर भी देखिए आप, पूरा मॉइस्चर आया है क्योंकि इसके ऊपर भी आइस आ गई थी थोड़ी, इसकी वजह से देखिए पूरा ठंडा कंप्रेसर हो रहा है, क्योंकि आइस ज़्यादा एवोपरेटर में थी तो ऊपर सक्शन तक आइस आ जाती है जब एवोपरेटर में आइस आती है तो, और जब ज़्यादा टाइम लग जाता है तो कंप्रेसर को भी पूरे को कवर कर लेती है आइस। तो लड़का गेज लगा रहा है, मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे फ्लेयर नट पे, और ये हमारा ड्रायर का फ्लेयर नट है और यहाँ पे ऑयल आ हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ से गैस हमारी लीक हुई है। तो ऑयल भी है, ये देखिए ऑयल है। बैक प्रेशर चेक करेंगे कि कितनी गैस हमारी लीक हुई है, और क्योंकि ऐसे कह नहीं सकते कितनी गैस अभी हमारी निकली है, तो बैक प्रेशर के लिए गैस लगा दिया है, तो देखते हैं कि गैस कितनी है। और आइस हमने निकाल दी थी, मैंने आपको बताया था आइस निकाल के ही आपको ऑन करना है, तो यूनिट ऑन कर दिया है। और क्योंकि जब तक अगर आइस रहेगी तो बराबर आपका जो है बैक प्रेशर नहीं दिखाएगा, तो अभी देखिएगा बैक प्रेशर जो हमारा चल रहा है 15 PSI बैक प्रेशर हमारा इस टाइम है जो कि रनिंग में है। और हमारा जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर भी हमारा कम चल रहा है, तो हाई प्रेशर देखिएगा अभी 200 PSI है, तो गैस इसके अंदर कम है, तो गैस चार्ज करेंगे और गैस चार्ज करके देखते हैं। तो देखिएगा जो लीकेज थी वो टाइट कर दिया है, फ्लेयर नट अच्छे से टाइट कर दिया है और लीक भी नहीं है, बराबर चेक कर लें। तो अभी करना है हमें गैस चार्ज, तो गैस चार्ज करने के लिए देखिएगा सिलेंडर R22 गैस है और उसको हमें उल्टा करना है, R22 है जो लिक्विड चार्ज करेंगे, तो बैक प्रेशर हमारा कम चल रहा है तो गैस टॉप अप करेंगे इसके अंदर। तो बैक प्रेशर आ चुका है हमारा 30 PSI, तो गैस पूरी हो चुकी है, और हाई हमारा देखिएगा चल रहा है 250 PSI हमारा हाई प्रेशर है और 30 PSI हमारा बैक प्रेशर है, ये R22 का बैक प्रेशर चल रहा है। तो देखिएगा एकदम गैस हमारी पूरी हो चुकी है,
तो पाइप भी देखिएगा एकदम चिल्ड चल रहा है और रिटर्न अच्छी आ रही है हमारी। तो गैस जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग को, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फॉल्ट के ऊपर। टेक योर सेल्फ।